बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते दिनों से कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद में जुट गए हैं। इसे लेकर वे दक्षिण से लेकर उत्तर तक के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयानों के उलट रामगोपाल यादव और जया बच्चन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और सपा पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अखिलेश यादव ने बीते दिनों अमेठी और रायबरेली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने के संकेत भी दिए थे। अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते। अब अखिलेश यादव के बयान से इतर जब ये तस्वीरें दिखती हैं तो माजरा तो कुछ और ही नजर आता है। बता दें कि संसद में इन दिनों अडानी मुद्दे को लेकर हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस जेपीसी जांच की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस की इस मांग को सपा सांसदों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। सपा सांसद रामगोपाल यादव, जया बच्चन और शफीकुर रहमान बर्ग की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं।